मुझे मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलवेज ये पूछा है कि न्यूट्रल हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड गियर के बीच में क्यों होता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि न्यूट्रल हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में क्यों होता है। सबसे पहले मैकेनिक ने कुछ सोच के ही ये टेक्नोलॉजी बनाया होगा और यस, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंस है इसके लिए ये टेक्नोलॉजी बनाया है। तो इसके कुछ टोटल दो रीज़न है जिसके वजह से ये टेक्नोलॉजी बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डाउन और 5 अप या फिर 1 डाउन और 4 अप, यानी कि 5 गियर्स रहेंगे उसमें से पहला नीचे रहेगा और बाकी के 4 जो है वो अप रहेंगे। ये गियर सिस्टम ऐसा होने का सबसे बड़ा रीज़न पहला वाला ये है कि जब भी आप डाउनशिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हो और आपको सामने कुछ दिख गया और इमरजेंसी में अगर आप डाउनशिफ्ट कर रहे हो तो डाउनशिफ्ट करने के टाइम पे आपका बाइक न्यूट्रल पे नहीं चला जाए, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी रखा है। क्योंकि जब डाउनशिफ्ट करोगे फटाफट नीचे, तो अगर डायरेक्टली नीचे न्यूट्रल होगा तो फिर आपका बाइक न्यूट्रल में चला जाएगा और जो इंजन ब्रेकिंग की वजह से आपका बाइक जल्दी रुक सकता है वो नहीं रुकेगा, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी बनाया गया है। इसके अलावा इसका एक और रीज़न है जिसके वजह से बनाया है, और इसका दूसरा रीज़न ये है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो ट्रैफिक में या कहीं पर भी, तो आपको पता है कि जब आप नीचे प्रेस करोगे न्यूट्रल से तो सीधा फर्स्ट गियर में जाएगा, ना कि कोई लाके सेकेंड या थर्ड गियर में। तो इसके वजह से आप हमेशा अपने गियर को फोकस करके रखोगे कि मुझे पता है कि जब न्यूट्रल हो तो आपको नीचे प्रेस करना है, जिसके वजह से फर्स्ट जाएगा और आप सेकेंड या थर्ड गियर पर नहीं जा सकते, जिसके वजह से आपका बाइक स्टॉल भी नहीं होगा। सोचो कि ट्रैफिक में हो और अगर आपने डायरेक्टली नीचे प्रेस कर दिया और आपका गाड़ी फर्स्ट या सेकेंड गियर में चला जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाता है, राइट। तो इसी रीज़न की वजह से, इन दो मेन रीजन के वजह से ये टेक्नोलॉजी बनाया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी लाइक नॉर्मल कम्यूटिंग बाइक में नहीं है। कम्यूटिंग बाइक में ये बहुत इजी होता है क्योंकि उन लोगों को बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है। ये गियर्स या तो आपको लाइक सुपर स्पोर्ट या फिर स्पोर्ट्स टाइप की कैटेगरी में मिलेंगे, ताकि जो राइडर है वो हमेशा सही तरीके से बाइक चला पाए और हमेशा किसी भी लाइक किसी भी प्रॉब्लम में वो हमेशा नहीं पड़ जाए। इसके वजह से ये गियर टेक्नोलॉजी या फिर ये गियर सिस्टम बनाया गया है। मैंने दोनों भी टाइप की बाइक चलाई है और जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप स्प्लेंडर या ऐसा कोई भी बाइक लोगे जिसमें लाइक नॉर्मल न्यूट्रल होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर होगा और फिर मे बी फिफ्थ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द बाइक, और फिर उसके बाद अगर आप वापस पीछे प्रेस करते रहोगे तो आपका बाइक उसी तरीके से न्यूट्रल में चला जाएगा। तो ये एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी है और ये कम्यूटिंग के लिए बनाया जाता है, क्योंकि कम्यूटिंग में क्या होता है कि आपको बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। और उसके अलावा बाकी का जो टेक्नोलॉजी बनाया है, लाइक पहला नीचे, फिर उसके बाद न्यूट्रल, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर 6, तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी बनाया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ रेसिंग के लिए बनाया गया है कि रेसिंग के टाइम पे राइडर कंफ्यूज नहीं हो और सही तरीके से अपने गियर्स को शिफ्ट करके आगे बढ़ सके। इसके लिए मैं आपको एक और रीज़न बोल सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट गियर में होगे तब आपको सेकेंड या थर्ड गियर का कभी भी जरूरत नहीं रहेगा, राइट। और जब भी आप सेकेंड या थर्ड गियर में रहोगे तो आपको फर्स्ट गियर का जरूरत नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फर्स्ट गियर का जरूरत तभी पड़ता है कि जब हमको बाइक लाइक नॉर्मल रुका हुआ है, रुके हुए बाइक से हमको बाइक को आगे बढ़ाना है, तब हम लोग को फर्स्ट गियर का जरूरत पड़ता है। यानी कि आप कंप्लीटली स्टॉप हो और अभी आपको आगे बढ़ना है, इसीलिए हमको फर्स्ट गियर का जरूरत पड़ता है। उसके अलावा बाकी के सारे गियर्स तो स्पीड के लिए दिए जाते हैं। तो इसी का एक मेन रीज़न ये है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो तब आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर जो कि ऊपर होता है, राइट, और फर्स्ट गियर हमेशा नीचे होता है, तो इसीलिए यह टेक्नोलॉजी बनाया गया है। साथ में एक और छोटा सा चीज़ मैं बोल देता हूँ कि जब भी आप बाइक चलाते रहते हो तभी आप अपने गियर को देख के तो गियर चेंज नहीं करते, तो इसीलिए जो है वो आपको ये चीज़ हेल्प करेगा, क्योंकि आपके माइंड में एक बार सेट होता है कि पहला गियर नीचे होगा और बाकी के सारे गियर्स ऊपर होंगे, तो आपको समझने में भी ईजी होता है और आप बाइक सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हो और चला सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या कुछ नया चीज़ सीखने मिला तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी सेफ एंड राइड सेफ एंड बाय बाय।